अस्सलामुअलैकुम। लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन में आप सबको खुशामदीद। लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन का क़याम उस वक्त अमल में आया जब हमने महसूस किया कि हमारा तालीमी मयार एक बिजनेस की तरफ जा रहा है। हमारा हर बच्चा तालीम की सीढ़ी पर नहीं खड़ा, वो कहीं बाहर सड़कों पर घूम रहा है। सो ये फैसला किया गया कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जहाँ उनको मुफ्त तालीम दी जाए। लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन के कैंपसेस आपको उन इलाकों में मिलेंगे कराची में जहाँ कच्ची आबादियाँ हैं और तालीम की सहूलत तो क्या शऊर की मंजिल से भी उसके वालदैन बहुत दूर है। लिहाजा मुफ्त तालीम के साथ एक वक्त का खाना, नंगे पांव चलते हुए बच्चे, सड़कों पर गालियाँ देते हुए बच्चे हमें नहीं चाहिए। हमें इस मुल्क पाकिस्तान में पढ़े लिखे बच्चे चाहिए। तो लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जिहाद, जिसकी लड़ाई सिर्फ इल्म के लिए है। आइए इस जिहाद में हमारा साथ दीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना कैंपेन के दौरान के अंदर मैं LLCF से वाकिफ हुआ। जब मैंने इस इदारे को देखा और जिस तरीके से इस इदारे ने हमारे छोटे बच्चों को 4 से 6 साल की उम्र के बच्चों को संभाला हुआ था और उनकी तालीम और तरबियत हो रही थी, उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। अब जबकि मुझ पर जिम्मेदारी मुझे मिली है MNA की, इस इलाके की, तो मैंने इस इदारे से भी रब्ता किया और मैंने कहा कि इस काम को हम और आगे बढ़ाएं। वैसे तो ये 2012 से एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो मेरी नज़र में बहुत ही शानदार, बहुत ही कामयाब इदारा है। तो इंशाल्लाह ताला हमने फौरी कमिटमेंट करके एक स्कूल और बनाने का कर लिया है, बल्कि वो बन रहा है कि 4 से 6 साल तक के जो हमारे फूल हैं, हमारे मुल्क के नौनिहाल हैं, हम इनकी सरपरस्ती और इनकी बुनियादी जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, अगर उस पर तवज्जो दे ली जाए तो इन ये बच्चे कल को इस मुल्क को वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पर हम पाकिस्तानी कौम को देखना चाहते हैं। क्योंकि हमें लोगों को मौके देने और उनको तरबियत फराहम करनी है ताकि वो कल को एक जिम्मेदार पाकिस्तानी बने और पाकिस्तान दुनिया की कौमों के दरमियान में एक चमकता हुआ, दमकता हुआ सितारा बने। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पाका फर्रुख है और मैं LLCF की इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। LLCF एक सोर्स ऑफ लाइट बन के आया उन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए जो कि एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते और इस वजह से वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए हम उन्हीं के एरियाज में कैंप्स लगाते हैं, पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं और फिर जो हमें सबसे मोस्ट डिजर्विंग एंड मोस्ट विलिंग पेरेंट्स दिखाई देते हैं हम उनके बच्चों को फ्री एडमिशन देते हैं। हम 3 ईयर्स का फ्री स्कूलिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉलो करते हैं जिसमें फर्स्ट ईयर हम लोग उनकी 80% तरबियत और ग्रूमिंग पे फोकस करते हैं और बाकी 20% उनको क्वालिटी एजुकेशन में। तालीम और तरबियत, तालीम तो हर कोई दे रहा है लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तरबियत पर ज़्यादा फोकस करता है। क्योंकि यही वो एज है जिसमें बच्चा सही या गलत की तरफ जाता है, तो वी हेल्प दीज चिल्ड्रन टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सिविलाइज्ड सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजर लियाकत है, मैं लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन में तजवीज का फराइज सर अंजाम दे रही हूँ। यहाँ पर जब हम लोग पहले दिन इस इलाके में आए बच्चों की रजिस्ट्रेशन करने के लिए और इस इलाके का विजिट करने के लिए, तो हमने बाकी बच्चों में और इन बच्चों में जो बात महसूस की वो ये कि इनको सिर्फ मौका चाहिए, इनको अगर हम मौके फराहम करेंगे तो ये और बाहर के जो हमारे आम बच्चे होते हैं जो किसी भी अच्छे स्कूल में जाते हैं उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं। बच्चे पहले दिन हमारे पास आए, इनमें इखलाक, तरबियत, तमीज़, तमाम चीज़ों की कमी हमें नज़र आई, महसूस हुई।
और आज जब इनको देखा जाता है 2-3 महीने के बाद, तो हम ये महसूस करते हैं कि वो तमाम कमियां जो हमें नजर आती थी वो अब हमें नजर नहीं आती। अब ये बच्चे बाखलाक, बातमीज, बाशऊर बन रहे हैं। इनमें तालीम के साथ साथ तरबियत की जो कमी थी, वो जो खला था, वो पूर्ण होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाली मकसूद है। मैं लुमिनर लर्निंग सर्कल फाउंडेशन का हिस्सा हूँ। मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ और मुझे इस बात पे फ़ख्र है, इससे पहले भी काफ़ी स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं इस एरिया के बच्चों को पढ़ा रही हूँ जो कि जिनके पेरेंट्स फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। एजुकेशन देना तो हर स्कूल में है, लेकिन जो है बेसिकली अखलाकियात पर जो काम कर रहे हैं वो किसी भी स्कूल में नहीं है। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम कर रही हूँ। मेरा ये बच्चे कल को हमारे लिए सदका जारिया भी बनेंगे। इन बच्चों में और बाहर के बच्चों में, जैसे मैंने कहा, सिर्फ मौका देने की कमी है। ये बच्चे बाहर के बच्चों से ज्यादा बासलाहियत हैं। इनके अंदर जो सीखने की चाहत और जस्तजू है वो बाकी बच्चों से ज्यादा है। बाकी बच्चों से जल्दी ये सीखते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, जो इन बच्चों की बहुत अच्छी आदत है। और मेरे नज़र में अगर ये इसी तरह से सीखते रहे और इनको इसी तरह से मौके फराहम करते रहे, हम तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे पाकिस्तानी बनके हमारे सामने आएंगे।